हेलो एवरीवन, लॉजिकल टेक में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि फेसबुक में एक इवेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ता है इवेंट क्रिएट करने का। कुछ भी हो, कोई मीटिंग हो, कुछ इन्विटेशंस हो, ये डिजिटली आप किसी को भी थ्रू फेसबुक अपने फ्रेंड्स एंड कोलिग्स को इन्वाइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फेसबुक में इन्विटेशन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको फेसबुक का लॉगिन कर लेना पड़ेगा। अगर आप लोग पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर अकाउंट बना हुआ नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए, फ्रेंड्स बनाइए, उसके बाद आप लोग जो है कि इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्टली इवेंट क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए आपको इवेंट में क्लिक करना पड़ेगा। इधर इवेंट एक बटन दिख रहा है, जस्ट क्लिक कीजिए इवेंट में। जैसे ही इवेंट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट इवेंट का एक ऑप्शन आएगा। जस्ट आप क्रिएट इवेंट में इधर देख सकते हैं, क्रिएट प्राइवेट इवेंट, क्रिएट पब्लिक इवेंट। तो आप क्रिएट पब्लिक इवेंट कीजिए। अगर आपका जो इवेंट है वो पब्लिक है तो मैं पब्लिक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे हम क्रिएट कर देंगे पब्लिक इवेंट, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या ऑप्शंस आएंगे कि आपके पेजेस का, अगर आप लोग कोई पेज मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे पेजेस का, मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे पेज मेरा मेंटेन किया हुआ है तो मेरा पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन मैं ये जो है कि मेरा अपने नाम से ये इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं पेजेस को हटा के मैं अपना नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फोटोज़ एंड वीडियोज़ डाल सकते हैं। आप एग्जैक्टली जो इवेंट है उसका फोटो या वीडियो आप दे सकते हैं। इवेंट नाम दीजिए, यहाँ पे आप कौन सा इवेंट बना रहे हैं, नाम देके लोकेशन दीजिए, कहाँ पे एग्जैक्टली वेन्यू कौन सा है, कोई हॉल है, कोई पार्क है, जहाँ पे भी हो यहाँ पे दे दीजिए। कब से शुरू हो रहा है, कब से एंड हो रहा है इवेंट, डिटेल्स में लिखिए एग्जैक्टली कौन सा इवेंट है, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है वो लिख दीजिए। कीवर्ड्स जो रिलेटेड है, अगर कोई मीटिंग है, कोई बिजनेस मीट है, तो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस मीट का कीवर्ड्स दीजिए यहाँ पे। अगर आप लोगों को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में क्या देना है, कीवर्ड्स में क्या देना है, तो ये आई बटन में अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में लिखा जाता है, देख पाएंगे आप लोग। ऑप्शन है पोस्टिंग, एनी वन कैन पोस्ट, रिपोर्ट पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड, एनी वन कैन पोस्ट, ऑल पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड। तो ये है आप लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप एक इवेंट, पब्लिक इवेंट क्रिएट करने के लिए आप दे सकते हैं। उसके बाद क्रिएट में क्लिक कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे शेड्यूल में भी दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल में इवेंट क्रिएट होगा, या फिर सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेंस करता हूँ। अभी देखते हैं कि प्राइवेट इवेंट में क्या होता है। तो प्राइवेट इवेंट पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली इनवाइटेड गेस्ट विल सी योर इवेंट, यू कैन चूज टू लेट गेस्ट इनवाइटेड फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन प्राइवेट इवेंट में बस जो आप लोगों का इनवाइटेड फ्रेंड्स है वही देख सकते हैं, अदर्स नहीं देख पाएंगे। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इवेंट एंड पब्लिक इवेंट। तो आप लोगों को जो सही लगे वो इवेंट सिलेक्ट करके आप इससे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि ये ट्यूटोरियल सही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।